class. This is session number 6 of class 8 NCERT Science. In our last sessions, we discussed 4 agricultural practices: preparation of soil, sowing and selection of seeds, irrigation, and manuring of fields. In this session, we will discuss the next agricultural practices: protection of field, protection from weeds of crop, and harvesting, and the next one is storage. So let's start. So first of all, protection from weeds. What are weeds? The unwanted plant growing with the crop in the field is called weeds. फसल के साथ खेतों में जो पौधे एक्स्ट्रा अपने आप उग जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं. The removal of weeds is called weeding. फील्ड से वीड को रिमूव करने की प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. वीडिंग की प्रोसेस मतलब क्या, वीड्स को फील्ड से हटाने की जो प्रक्रिया है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि जो वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं ये फसलों से कॉम्पिटिशन करते हैं स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए. तो अगर वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्रॉप के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब कर लेंगे. टिलिंग बिफोर सोइंग एंड बाय यूजिंग केमिकल्स वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड. इसलिए जो प्लगिंग प्रोसेस होती है फील्ड में इसलिए की जाती है ताकि जो पहले से पौधे हैं ठीक है वो क्या हो, सॉइल नीचे दब जाए. और कई केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं तो ये वीड्स अपने आप क्या होते हैं, सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं. यूज ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. अब ये वीडिसाइड्स केमिकल्स होते हैं इनको अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है. इसलिए फार्मर्स जो होते हैं मैन्युअली क्या करते हैं, हाथों से इन वीड्स को रिमूव करते हैं. इस प्रकार वीडिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं और इससे हमारी जो क्रॉप होगी वो भी प्रोटेक्ट रहेगी. इसके अलावा बहुत से इंसेक्ट भी होते हैं जो प्रोटेक्ट को हार्मफुल प्रोटेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. खेतों में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनके लिए डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो स्प्रिंकलर में छिड़काव किए जाते हैं फसल के ऊपर जिससे कीड़ों से फसलों को बचाया जा सके. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग. जब आपकी क्रॉप रेडी हो जाती है तो उस क्रॉप को रेडी क्रॉप को कट करने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर. जब क्रॉप मैच्योर हो जाए तो उसे कट करने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है. हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन बाय सिकल. नॉर्मली जो हार्वेस्टिंग होती है एक सिकल एक डिवाइस होता है इस तरह का, वीडियो जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस को, इससे हार्वेस्टिंग फसलों को काटा जाता है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट. जब फसलों को काट लिया जाता है तो जो अनाज के बीज होते हैं उनको भूसे से अलग करने के लिए कई प्रक्रिया होती है, उनमें से एक थ्रेसिंग. तो थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें से हार्वेस्टेड क्रॉप जो होती है उसमें से हम भूसे या सेल्फ को क्या करते हैं, ग्रेन से सेपरेट करते हैं. इसके अलावा ग्रेन से सेल्फ को सेपरेट करने की जो प्रक्रिया है वो और बहुत सारी होती है, विनोइंग होता है और कई मेथड्स हैं. दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग व्हिच इज यूजुअली डन बाय कंबाइंड हार्वेस्टर. थ्रेसिंग प्रोसेस क्या है, थ्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन सीड्स को सीए जनिका सेल्फ सीए से मतलब सेल्फ मतलब क्या भूसे से अलग करते हैं और इसके लिए कंबाइंड हार्वेस्टर नाम की मशीन जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड देयर इज अ नोट व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, हार्वेस्ट फेस्टिवल. अब कई दिनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, जो फसल काटने का समय आता है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि फार्मर्स की काफी दिनों की मेहनत जो होती है उसका रिजल्ट होता है जब वो क्रॉप रेडी हो जाती है. तो हमारे देश में कई जगहों पर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जब मतलब जो फसल तैयार हो जाती है उसे काटते समय जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में हार्वेस्टिंग का समय जो होता है वो तो बहुत ही खुशी का माना जाता है. सो मैन एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म. इसलिए जो यहाँ के मैन एंड वोमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही क्या मतलब ये खुशी आध्यात्मिक खुशी का एक समय होता है जिससे कि वो अपनी फसल को अच्छे से काटते हैं और इस बात में बहुत खुशी होती है. फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर. अब कुछ फेस्टिवल के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो आप समझ सकते हैं. पोंगल फेस्टिवल होता है, बैसाखी असम का फेस्टिवल, बिहू, ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जब वहाँ फसल काटी जाती है तब ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं.
Please note it. Our last agricultural practice is storage. अगर आपकी फसल एकदम तैयार हो गई, कट कर लिया आपने, तो उसे स्टोर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसे प्रॉपर स्टोर नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगी। आइए देखें। The fresh crop has more moisture, so if they stored without drying, they may spoil and attacked by microorganisms. जब फ्रेश क्रॉप हार्वेस्टेड होती है, बहुत सी मॉइस्चर नमी होती है, तो अगर हम उसको ऐसे स्टोर कर देंगे तो स्टोर करने में क्या होगा, वो स्पॉइल मतलब क्या खराब हो जाएगी, उसमें बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, मतलब कीटाणु से खराब कर सकते हैं। हेंस इट शुड बी ड्राई बिफोर स्टोरिंग। इसलिए फसलों को स्टोर करने से पहले सुखा लिया जाता है अच्छे से, ताकि उनमें मॉइस्चर ना रह जाए। ड्राइड नीम लीव्स एंड मेनी केमिकल सब्सटेंस आर यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज टू रिड्यूस लॉसेस ऑफ ग्रेन्स। हमारा जो अनाज ग्रेन है वो खराब ना हो, इसलिए इसको स्टोर करते वक्त बहुत से केमिकल्स और सूखी नीम के पत्ते को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो इंसेक्ट या जो पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अनाज से दूर रहें और उसे खराब ना करें। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। किसान ऐसा क्या करते हैं, जूट की बोरियों में या लोहे के कनस्टर होते हैं, जो टीन के डिब्बे होते हैं, उसमें क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। अब बड़े स्तर पर अगर हमको अनाज को स्टोर करना है तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया टाइप होती हैं, वहाँ पे बड़े टैंकर जैसे बने होते हैं, उन टैंकर को सिलोस कहते हैं। इसका गूगल में सर्च भी कर सकते हो। सिलोस जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं ताकि अनाजों को स्टोर किया जा सके। उसके अलावा ग्रेनरी एक प्लेस होती है जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है और उनको पेस्ट जैसे कि रैट इंसेक्ट मतलब चूहों से कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए अनाज को स्टोर करना बहुत जरूरी होता है। अब गवर्नमेंट भी पुअर पीपल को ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए क्या करती है, फार्मर से इन ग्रेन्स को परचेस करती है, गवर्नमेंट द्वारा किसानों से इन फसलों को खरीदा जाता है और एक पीडीए सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके द्वारा गरीब लोगों को गवर्नमेंट द्वारा क्या जो अनाज होता है ग्रेन होता है ये दिया जाता है बहुत कम रेट पर। एंड नाउ लास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेसन इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से भी बहुत से फूड मिलते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ रखा होगा, जैसे मीट, मिल्क, बटर, हनी, ये सब फूड हमें कहा एनिमल्स से मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश। जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं वे करते हैं मछलियों को खाते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट और मछलियाँ उनकी जो भोजन का एक अहम हिस्सा होती हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिशियस थिंग्स। इसके अलावा एनिमल्स हमको बहुत सी न्यूट्रिशियस चीजें देते हैं, बताएं जैसे मिल्क, एग, मीट। एनिमल्स रेयर एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। अगर आप घर में या फार्म में भी एनिमल्स को पालते हैं तो उन्हें क्या प्रॉपर फूड अच्छे से खा देना चाहिए, प्रॉपर शेल्टर उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए एंड केयर और काफी देखभाल करनी चाहिए। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अगर हम animals को large scale पर पालते हैं जिससे हम उनसे चीजें प्राप्त कर सकें तो ये प्रक्रिया animal husbandry कहलाती है। So this is end of this lesson and in the next session we will discuss the book exercise. I hope this will be beneficial for you. If you have any doubt, please ask in comment section.